विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक बार फिर अपने महिला वोट बैंक को मजबूत करती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि शिवराज सरकार लाडली बहना योजना में मिलने वाली राशि को एक बार फिर बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अभी हाल ही में सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि लाडली बहनाओं के खाते में अक्टूबर महीने से 1250 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये राशि 1500 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही शिवराज सरकार ने अब 21 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं के नाम भी लाडली बहना योजना में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। अरे हमने 1,32,00,000 लाडली बहनों के खाते में पहले 1,000 डाले और अब 1,250 रुपया डाल रहा हूँ, लेकिन 1,250 तक सीमित नहीं गएंगे, ये बढ़ के होंगे 1,500, फिर बढ़ के होंगे 1,750, फिर बढ़ के होंगे 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750 और अंत में कितने होंगे 3,000 तक जाएंगे। अरे बहना 1,32,00,000 हो गई, तुम छूट कैसे गए? अच्छा जो छूट गए हैं उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, अपने पास पैसे की कमी नहीं। एक बात एक और मैं संस्कार धन से कर रहा हूं, अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाए।